तो ये है इको लॉग हट्स एबॉट माउंट में। ये देखिए इको लॉग हट्स एबॉट माउंट, उत्तराखंड पर्यटन आपका स्वागत करता है। फाइनली पहुंच गए, फीलिंग बहुत ही गजब की हो रही है भाई, सच में एकदम डरावने वाली फीलिंग हो रही है क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए कोई है, आई थिंक ये है उत्तराखंड टूरिज्म का ऑफिस। कितने लोग हैं? बस मैं। तो अंदर आते ही सबसे पहले हमने एंट्री फॉर्म या पेपर जो भी कह लीजिए रजिस्टर है उसको हमने फिल करा, और उसके चार्जेस होते हैं, इसके चार्जेस 10 रुपीज़ होते हैं फुल डे के लिए। आप फुल डे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस एरिया को सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपीज़ में। तो हमने भी यहाँ पे एंट्री कर दी, और आगे कहाँ रहना है, कहाँ स्टे करना है, ये सब प्लान हम धीरे धीरे बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं, 12:15 हो रहे हैं, ये देखिए 12:15 हो रहे हैं और हम पहुँच गए हैं एबॉट माउंट। बहुत ही यहाँ पे शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा शांति है, अगर एक पत्थर भी गिर जाए ना तो पूरी साउंड आएगी। तो अभी मैं इतनी हाइट में आई हूँ ना, तो थोड़ी सी मुझे नोजिया टाइप की फीलिंग आ रही है हल्की सी, और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मैं सोच रही थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। फिर मैंने बनाना कल जो लिया था वो बनाना पूरा इसमें बचा हुआ है, मैंने सिर्फ एक बनाना ही खाए थे, बाकी बनाना सारा बचा है। तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो फिर बनाना खाऊंगी मैं। बनाना खाने के बाद हम निकल पड़े मुक्ति कोठी और यहाँ का हॉन्टेड चर्च देखने के लिए। अब चल रहे हैं गाइस चर्च देखने, जो एबॉट माउंट ने अपनी वाइफ की याद में बनवाया हुआ है, और यहाँ पे है वो चर्च जो कि काफ़ी फेमस चर्च है।
देखिए गाइस, इस चर्च के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और जिस पे लिखा हुआ है कि भूत प्रेत से मुक्ति पाने हेतु इस प्रार्थना घर में पधारे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी स्कैरी हैं। ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये जो चर्च है ये कब बनवाया गया था। इसकी स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। इस चर्च की स्टोरी ये है गाइस कि एबॉट माउंट जो नाम है वो एबॉट जॉन हेरोल्ड एबॉट के नाम से पड़ा हुआ है। जॉन हेरोल्ड एबॉट ब्रिटिश अधिकारी थे और वो मैदानी एरिया में रहा करते थे। वहाँ पे उन्होंने कैथरीन से शादी करा। कैथरीन के ऑलरेडी 5 बच्चे थे। कैथरीन के साथ समय बिताने, ज़िंदगी बिताने के लिए वो मैदानी एरिया को छोड़ के इस पहाड़ी एरिया में आ गए और उनको ये जगह इतनी पसंद आ गई कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं बिताने का फ़ैसला लिए और उन्होंने यहाँ पे 13 कॉटेजेस भी बनाए जिसमें कि वो सभी लोग, वो और उनके बच्चे और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो सभी आराम से यहाँ पे रह सकें। मिस्टर जॉन हेरोल्ड एबर्ट ने अपनी पत्नी की डेथ के बाद, यानी कैथरीन की डेथ के बाद, उन्होंने 1942 में इस चर्च का निर्माण जो करवाया, अपनी पत्नी की याद में ही इस चर्च का जो निर्माण है उन्होंने करवाया था। तो ये खूबसूरत चर्च उनकी पत्नी के नाम है। फिलहाल इस चर्च में किसी भी तरह की कोई प्रार्थना नहीं की जाती है और मैं जब इसे देखने गई तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, यानी कि ये लॉक था, तो हम अंदर नहीं जा सके और हमने बाहर से ही इस चर्च को देखा। इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई थी, उन्हीं खिड़कियों से मैंने अंदर का दृश्य भी देखा। ये जगह इतना खूबसूरत है कि विश्व में ये जो है इसकी खूबसूरती के लिए ही प्रसिद्ध है। काफ़ी अच्छी खूबसूरती है इस जगह की और इतनी खूबसूरत जगह में काफ़ी खूबसूरत सा ये चर्च बना है, लेकिन अब ये भूतिया हो गया है क्योंकि इसमें कोई रख रखाव नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं होता है और लोकल्स लोग की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी डरावनी है, जो लोगों के अंदर भय पैदा करती है और लोग इसकी वजह से यहाँ पे इस चर्च में नहीं आना चाहते हैं और प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे ब्रेंचेस लगे हैं लेकिन उसमें से बहुत सारे टूट चुके हैं और सिर्फ एक या दो मुश्किल से रह गए हैं, बाकी सारे के सारे आप देख सकते हैं टूटे हुए हैं। प्रार्थना का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके थ्रू आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये जो है चर्च, ये अब चर्च नहीं रहा बल्कि भूतिया एक बंगला हो चुका है। इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ये जगह इतना सन्नाटा भरा हुआ है कि इस जगह को जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति लग रही थी, ओवर जिसको कहते हैं ना, ओवर सन्नाटा यहाँ पे था और अजीब सी एक फीलिंग हो रही थी यहाँ पे। तो जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कई सारी स्टोरीज पढ़े रहते हैं जिसकी वजह से माइंड में आपके वो सारी चीज़ें आ जाती हैं और हमारा माइंड जो है वैसा ही थॉट करना शुरू कर देता है। तो ऐसी भूतिया स्टोरी पढ़ के जाने की वजह से आपके माइंड में भी वो सारी चीज़ें आने लगती हैं और आपको डरावना फील होने लगता है। यहाँ पे देखिए, जो डॉक्टर मॉरिस थे उनके उनकी डेथ हो गई थी, उनके बच्चों की, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, तो सभी को वहीं दफनाया गया था और एबॉट की वाइफ को भी वहीं दफनाया गया था। अब इधर हम जा रहे हैं, कुछ कॉटेजेस हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए हैं, 100 साल से भी पुराने कॉटेजेस हैं, उन्हें हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद हम देखने चलेंगे यहाँ की जो सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, सबसे भूतिया जगह है, उसे हम देखने चलेंगे, यानी कि मुक्ति कोठरी या फिर उसे हम एबे हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। बाज है, हाँ देवदार है, ये काफल है, ये वाला देवदार काफल, हाँ कुछ बुरांस के भी होंगे, बुरांस चीड़ भी होता है, चीड़ वो चीड़। सारे चीड़ी के तो बने हैं जो कॉटेज बने हैं। अच्छा, फिनलैंड से आया, लेकिन वो फिनलैंड से अंग्रेजों ने वहाँ से मंगवाया होगा। ये तो सिंचाई विभाग ने मंगाए हैं। अच्छा, ये तो हाल ही में बने हैं। ओके, अंग्रेज द्वारा यही बनाए हुए हैं जो ये है। अच्छा, सिर्फ इन्होंने कॉटेज बनाया यहाँ पे। चढ़ाई बहुत है यहाँ पे, पहाड़ है।
फूल ज्यादा है फूल। हाँ वाले कॉटेज में फूल ज्यादा देखोगे आप, फूल प्रेमी थे ना उनकी डेथ हो गई। हाँ हाँ वाह बहुत सुंदर है यहाँ पे, रहने के लिए काफी अच्छा है। ये रेंट पे नहीं देते? 5,000 रुपए। अच्छा ये भी अंग्रेजों का ही टाइम था। अच्छा कछुआ भी आओ, कछुआ देखते हैं। रोजे अच्छा ये पहले का ही रखा हुआ है? ये मैडम थी ना यहाँ पे। अच्छा उन्होंने ही लिया था। पेंटिंग का बड़ा शौक था, ये देखो पेंटिंग की। ये खुद से बनाया है क्या? हाँ उन्होंने खुद बनाया। अच्छा एबॉट मॉन की जो मिसेज थी? नहीं नहीं हाँ उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर मॉरिस। नहीं बहुत सारे यहाँ पे वो आए ना। अच्छा ये दूसरे से बेची हुई है ना। अच्छा अच्छा दिल्ली की मैडम थी कोई। अच्छा उन्होंने किया। अच्छा एक ये छोटा सा वो है ए डॉगी। आजा आजा आजा। जब मैं रुक गई ना तो वो भी पीछे रुक गया। ये शॉर्टकट रास्ते हैं क्या? जंगलों के बीच से अभी हम उस रास्ते से आए, सड़क से वैसे आते इसको इसको छोड़ देते। हाँ। ये सड़क हम इधर ही पहुंच जाते हैं। अभी हम ऐसे आए फिर ऐसे इसी सड़क पे पहुंच गए। अच्छा ये है गाइस रास्ता भूत वाले बंगले में जाने के लिए। बस चलते हैं, बहुत मेहनत वाला काम है। अरे या अब ये पकड़ूं? ये टूटेगा तो नहीं? ओए ओए चढ़ गई भाई। इतना एडवेंचर मैंने कभी नहीं किया था। सौ साल पुराने कॉटेजेस देखने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं इस वीरान रास्ते में, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस भूतिया उस हॉन्टेड प्लेस को देखने के लिए जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डरावना है। गाइस इसे एबे हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई ऐसी दुर्घटना घटी है जो कि इस स्थान में भटकते मरीजों की आत्मा का होने का एहसास कराते हैं। यह बंगला अपने भूतिया होने के लिए काफ़ी मशहूर है। गाइस इस बंगले की स्टोरी यह है कि एबॉट जो यहाँ इन्होंने बसाया था इस एबॉट माउंट को, उसी एबॉट ने लंदन जाने से पहले यहाँ बने इस बंगले को चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना चाहते थे और उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया। उनकी तमन्ना थी कि यह एक अच्छा हॉस्पिटल बने ताकि आसपास के जो पहाड़ी लोग हैं उनका इलाज मुफ्त में हो सके, इसलिए यहाँ पे अच्छे डॉक्टर दवाइयाँ और तमाम सुविधाएँ जो हैं दी गई और ये चैरिटेबल फ्री में यहाँ पर सबका इलाज हुआ करता था। इस जगह के बारे में गाइस बहुत सारी भूतिया कहानी फेमस है। एक्चुअली इस हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर आए और इलाज किया, उनमें से एक डॉक्टर जो थे वो डॉक्टर मॉरिस थे। डॉक्टर मॉरिस मरीज को पहले ही बता देता था कि वह मरने वाला है। इसके बाद वह इस उस मरीज को पास में ही बने एक मुक्ति घर यानी कि एक अलग से मुक्ति घर बनाया गया था उसमें भेज दिया जाता था और अगली सुबह ही उस मरीज की मौत हो जाती थी। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि डॉक्टर मॉरिस ही मुक्ति घर में जाकर मरीजों को मारता था। एबी बंगले के आसपास की जगह को लोग भूत प्रेत और मृत आत्माओं का गढ़ मानते हैं।
कहा जाता है कि यहाँ रात में दो आत्माओं को टहलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। आप यहाँ देख सकते हैं गाइज कि बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में डॉक्टर्स और जो मरीज थे वो रहा करते थे, जो भी नर्सेज हुआ करती थी, जो इलाज करते थे डॉक्टर और नर्सेज, वो सभी यहाँ रहा करते थे। और काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और यहाँ पे बहुत सारे कमरे आपको बने हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, एबे हॉस्पिटल पूरा घूमने के बाद में मैंने सोचा थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं थक गई थी। और ये पता नहीं, वहीं पे एक बैक साइड का प्लेस है, मुझे नहीं पता ये जगह क्या है, इसका नाम क्या है, मुझे इस जगह, इस पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं पता है। क्योंकि इनमें से एक जगह जो थी वो मुक्ति कोठरी थी, जहाँ पे वो लोगों को अंतिम समय में, जब वो इंसान मरने वाला रहता था, तब वो उस जगह में मुक्ति कोठरी में लेके जाते थे। तो ये पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के ही थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। और मेरे सूज के लेसेज ओपन हो गए थे, तो मैंने उससे भी बांध लिया, और अब मैं यहाँ से निकलूँगी। ये है गाइस चिनार के पुएं, जो कि काफ़ी साल पुराने हैं, और इसकी सारी की सारी पत्तियाँ जो हैं वो गिर चुकी हैं। गाइस ऐसा लग रहा है बहुत ऊपर ट्रैकिंग कर रही हूँ मैं, गजब चढ़ाई है यहाँ पे ही वाली। ये आधे किलोमीटर का रास्ता है ना भैया? हाँ, थक गए, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। आते वक्त तो मज़ा आया था, ढलान थी। फाइनली हम पहुँच गए गाइस, ऊपर आ गए, और अब चलते हैं अपने होटल में ऊपर, जहाँ कॉटेज है। फाइनली पहुँच गए, बहुत मेहनत करके जो है ना ऊपर आना पड़ा हमें। चलिए भाई, सांस एकदम फूलने लगी है, चल के इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अभी और चढ़ाइयाँ हैं, अभी और आगे चढ़ाइयाँ हैं, अभी यहीं पे एंड नहीं हुआ है, अभी और चढ़ के हमें जाना ही जाना है। ये देखिए सीढ़ियाँ यहाँ की। हाँ, फिर मंदिर यहाँ पे बनाया गया। नहीं, मंदिर तो है ही वो। अच्छा पुराना, अच्छा ये मंदिर पहले से ही था। हाँ। लेकिन अंग्रेजों ने जब काटना शुरू किया तो डेथ हो गया लड़के का। हाँ। ये तो अभी हाल ही में ये नया बना है, इसके अंदर है जो छेड़ाखानी कोई नहीं करता है ना। अच्छा, ये पुराना वाला, बहुत पुराना मंदिर है ये। ये हाँ, ये छोटा ना, ये ऐसे अंदर। अच्छा, ये गुफा की तरह से। ओके, ये देखिए गाइस, ये गुफा जैसा है अंदर, और इसके अंदर मंदिर बना हुआ है। ये है वो यहाँ का मंदिर, ये आप देख रहे हैं पीछे, और यही मेरे पीछे यहाँ पे ये जो पेड़ है, इसको काटने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने, तो उनके लड़के का डेथ हो गया, इस वजह से काम बंद कर दिया गया। वो इस एरिया को पूरा पार्क बनाना चाहते थे, लेकिन वो बना नहीं पाए, डेथ होने की वजह से काम जो है वो रोक दिया गया। तो जय माता जी, जय करते हुए इनको चलते हैं आगे, और आगे भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। गाइज, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मैदान है, फील्ड है। इस फील्ड में ही जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, वो यहाँ क्रिकेट और गोल्फ खेला करते थे। तो यहाँ पे आप कैंप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जंगली फूल देखिए अपने आप ही निकले हुए, कितने खूबसूरत है। यहाँ पे ऐसे जंगली फूल बहुत अच्छे हैं। ये हैंडपम्प भी यहाँ लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे जो भी लोग हैं वो लोग कर सकते हैं। तो ये है पूरा बड़ा सा फील्ड, जहाँ पे आप आराम से कैंप लगा के चाहें तो रह सकते हैं। गाइज, अगर ये अबॉट माउंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो सभी यहाँ पे विजिट कर सके, और यहाँ का खूबसूरत ये सारे नज़ारे, ये जो प्लेस है, इन सभी को विजिट कर सके, जो कि बहुत पुराने सालों से हैं यहाँ पे, अभी भी
जीवित है, जो कि देखना अपने आप में एक बहुत ही एडवेंचरस है।